हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है व्लॉग में बने रहिएगा। तो अभी मैं बना रही हूँ दाल पूड़ी। और दाल पूड़ी आपको पता ही है, दाल पूड़ी की रेसिपी। अगर आपको नहीं पता किस तरह से बनाते हैं तो देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा। और पूड़ी रखी थी तो मैंने सोचा कि दाल पूड़ी बना लेते हैं। और फिश रखी है लेकिन उसको अभी इच्छा नहीं हो रही खाने की, और वैक्सीन लगवा के आए। अंदर को हंसी आई बहुत भयंकर तरीके से, क्योंकि बातें सुनिएगा प्रांजल लोगों की। दोनों का डिस्कशन चल रहा है और ये डिस्कशन है ना धीरे धीरे करके लोग है ना फाइटिंग में चेंज हो जाता है। और अगर मैं बीच में नहीं जाऊँगी तो दोनों झगड़ा करने लग जाएंगी। तो पता नहीं किस बात पे इन लोग का डिस्कशन चलता रहता है। और प्रांजल गिर गई थी ना सीढ़ियों से तो उसको दो टाँके आए थे, तो उसी टॉपिक पे अनुष्का ने मेरे से आके क्वेश्चन किया था कि मम्मी गिर गई थी तो इसको कुछ हुआ नहीं था क्या, डॉक्टर ने कुछ बोला नहीं था क्या कि थोड़ा सा क्रेक हो गई है। तो वो दोनों बहस चल रही, उनकी अभी जाऊंगी मैं दोनों की। यहाँ देखिए दाल बन गई है मेरी, आप लोग को बताना भूल गई मैं बात ही बात में। और क्या नहीं करवाती थी मेरे टाइम पे ना, काम वाम भी नहीं कराते थे आप तो मेरे से। हाँ। बस पढ़ती थी लेकिन मार्क्स नहीं आते थे। पढ़ती थी लेकिन मार्क्स नहीं आते थे और उसके समय में काम नहीं करवाती थी, और अब मैं काम करती, यानी कि अनुष्का के समय काम करवाती हूँ ना। नहीं तो ये कहने का मतलब है कि चीना के टाइम पे ये टीवी वगैरह बंद हुई ना, तो वो इतना ज्यादा खास नहीं है। इसके समय प्रांजल की जब 12th थी ना, 11th 10th से ही मैंने 9th से नहीं, नहीं इतना अत्याचार भी नहीं करा था मैंने तुम लोगों पे। 9th से करा दी थी आपने? नहीं 9th से करा दी थी ना, 9th से अपनी डिस्ट चली गई थी। 9th तो देखो जब बच्चा है ना, जब बच्चा अपने आप नहीं पढ़ेगा ना कि हाँ हमको भाई अपने आप बिल्कुल सीरियसली हो के मोबाइल वगैरह भी नहीं। अरे कैसे कैसे नहीं था मोबाइल, मोबाइल नहीं था, मोबाइल थे लेकिन इतना ज्यादा मोबाइल में नहीं लगते थे उस समय। नेट नहीं था, नेट नहीं था उस टाइम पे, मोबाइल भी नहीं थे, छोटे छोटे मोबाइल थे। नहीं तीन साल यानी अभी अभी छह साल पहले छोटे छोटे मोबाइल थे हमारे पास, बिल्कुल छोटे। मैं बताती हूँ 2018 में मेरा अपना चैनल स्टार्ट करा ना, मैं बताती हूँ 2018 में मेरे चैनल स्टार्ट करा, तो 3 साल तो वैसे ही होगा मेरे को। हाँ 9th छोड़ो, मुझे 9th का ध्यान इतना, 10th में जरूर मैंने इनको पढ़ाया, 10th में 11th में 12th में इस प्रांजल को मैं इतना, और अभी भी मैं प्रांजल के पीछे पड़ी रहती हूँ, प्रांजल कर लो प्रांजल कर लो। स्केचिंग का चैनल स्टार्ट करा इसने, इसकी खुद की चॉइस थी, मैंने कहा चलो कर लो चैनल स्टार्ट करना है, स्केचिंग अच्छी है तो कर लो। और वो स्केचिंग भी इसकी रेगुलर नहीं बनती है, आप देखते होंगे अगर इसके आप फ्रेंड होंगे तो देखते होंगे किसके वीडियो। अगर आपने इसके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो आपको पता ही होगा इसके वीडियो कितने कितने दिन में आते हैं, वो भी डालती नहीं, उसके पीछे में पढ़ पढ़ के इसके वीडियोस बनते हैं। पढ़ाई के लिए भी मुझे अभी भी इसको इतना फोर्स करना पड़ता है, पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो। कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए मैं इसको बोलती हूँ, कॉलेज तो इसका चलो हो गया है लेकिन कॉम्पिटिशन के लिए मैं बोलती हूँ इसको कि तुम तैयारी कर लो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम हर काम को ना समय पर करो, जब समय निकल जाएगा ना तो वो फिर फील होता है। जैसे किसी बहुत से पेरेंट्स रहते हैं कि नौकरी हमको नहीं करवानी, आप सिर्फ एजुकेशन अच्छा करो। मेरे यहाँ पर ये था, मेरे पेरेंट्स का ये था कि हमको जॉब नहीं करवाना, नौकरी नहीं करवानी है, तो आप सिर्फ एजुकेशन अच्छा करो। तो मैंने एजुकेशन ग्रेजुएशन करा है अच्छे उससे करा है, ऐसे भी नहीं है कि हाँ बस कर लिया है। मेरे हिसाब से उस समय 20 साल पहले जो ग्रेजुएशन था बहुत मायने रखता था, और अभी तो नॉर्मल हो गया ग्रेजुएशन कोई मायने नहीं रखता है, पोस्ट ग्रेजुएट भी कोई मायने नहीं रखता है। आजकल तो बहुत सारे कोर्सेज चल गए, तो अच्छा एजुकेशन ले रहे हो तो उसका फ़ायदा उठाओ, ऐसे नहीं बस एजुकेट होके बैठ जाओ।
तो इसको मैं जॉब के लिए बोलती हूँ, कंपटीशन तैयारी करो, करती है, लेकिन जिस हिसाब से मैं संतुष्ट हो जाऊँ इनकी पढ़ाई से, वैसी पढ़ाई नहीं होती, तो फिर मैं पीछे पड़ी रहती हूँ। तुम्हारे टाइम तो मोबाइल भी है ती जल, ये हमेशा ही रोती रहती है इस चीज के लिए ये हमेशा इस चीज के लिए बोलती रहती है, और इसी चीज को वो अनुष्का को ही बोलती है कि तुमको तो अभी मोबाइल मिल गया है, तुमको अभी से टैबलेट हाथ में रहता है तुम्हारे, और मेरे को तो मोबाइल भी नहीं मिला था, मेरी टीवी भी बंद करवा दी थी, तो करवाया था मैंने इसको टेंथ में, टेंथ के समय मैंने खुद ही डिस्क हटवा दी थी, मैंने खुद ने इंजॉयमेंट अपना बंद कर दिया था देखना इसकी वजह से, तो फिर इसको तो हटवाना जरूरी है। तो पेरेंट्स लोग खुद भी बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई, इन लोग सोच रहे होंगे हमारा टॉपिक चल रहा था कोई सा, और तो हंसी मजाक बात कर रहे थे, हंसी मजाक की बात, सीरियस बात कर दी मम्मी ने सुना, मैंने सीरियस बात कर दी लेकिन जरूरी भी है, पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी आज के समय में ना, पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं नहीं होती खुश, बोल रही है कि आप बिल्कुल खुश नहीं थे, मैं नहीं रहती खुश, मैं हमेशा ज्यादा सोच के चलती हूँ, हमेशा अच्छा सोच के चलती, हमेशा पॉजिटिव सोच के चलती, तो मैं चाहती हूँ मेरे आसपास जो रह रहे ना वो भी पॉजिटिव सोच के चले, अच्छा और हाई लेवल का सोच के चले। जरूरी नहीं है कि हमको अपना रहन सहन हाई लेवल का करना है, हमको पहनावा हाई लेवल का करना है, हमको हमारी सोच है ना अच्छे कामों में अच्छी सोच रखो, सही है ना। आज तो बहुत सारी बात कर ली बैठ रहे, इन लोगों का क्या डिस्कशन चल रहा था, और ये जो डिस्कशन है ना इन लोगों का आज तो बहुत नॉर्मल था, महायुद्ध हो जाता है इन दोनों का, फिर मेरे को बीच में आना पड़ता है, फिर बीच में आओ ना तो भी टेंशन, और नहीं आओ ना तो भी टेंशन, आओ तो ये रहता है कि आप हमेशा उसका सपोर्ट करते हो, कभी बोलती हो उसका सपोर्ट करते हो, जब आपको बोलना चाहिए जब आप बोलते नहीं, पेरेंट्स चाहे कैसा भी हो लेकिन बच्चों के लिए क्या हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, इनके पापा के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो इनको देखें, इनके एजुकेशन को देखें, क्या स्टडी चल रही है लोगों की, सब जो भी कुछ डिसीजन है ना मैं ही लेती हूँ, इनको बताती हूँ कि बस ये कर रहे हैं, तो बस उसमें इनकी परमिशन रहती है, बाकी क्या करवाना है कैसे क्या करना है ये पूरा मुझे ही देखना पड़ता है, इनको लाना ले जाना भी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कोचिंग स्कूल जहाँ भी जाना रहता ना मुझे ही करना पड़ता है, ये रहते हैं घर में तब ये कर लेते हैं, तो जब मैं इतनी इन्वॉल्व हूँ इनकी लाइफ में तो फिर मुझे गलत सही पे इनको रोकने टोकने का पूरा हक है। तो चलिए लेक्चर हो गया है बहुत बड़ा, और अब चलिए कर लेते हैं काम, काम में क्या करना, अरे हाँ देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये है केरी, ये केरी है जो केरी है, ये केरी दिख रही है ना यहाँ पर, तुमको थोड़ी दिखाना मुझे, ये केरी है, तो ये अंकल देके गए 12 केरी थी, चाचा ने आ चाहती 12 केरी थी, चाचा हम लोगों ने चारों ने ले ली है, और ये उनके पेड़ की केरी, उनके पेड़ में आती है बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, ये तो अभी छोटी छोटी है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी भी हो जाती है, अगर अभी हम जाते ना तो फिर बड़ी बड़ी तोड़ के लेके आते वहां से, लेकिन अभी जा ही नहीं रही कहीं पर ही, ओ माय गॉड क्या होता, काव्या नहा ली शायद, तमु नहा ली है, बाबू नहा लिया, ओ माय गॉड मेरा बच्चा हेयर स्टाइल बना रहा है, देखिए आपको याद हो तो अगर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा इससे पहले का, तो उसमें मैंने इस तरह की हेयर स्टाइल बना रखी जिसमें मैंने आगे से छोटे छोटे बालों की लेके गुच्छे और फिर हेयर बैंड सॉरी रबर बैंड लगाया है, तो वही काव्या स्टाइल बना रही, लेकिन काव्या के नहीं बनेगी, काव्या के छोटे बाल हैं, तो काव्या को मैं रेडी कर देती हूँ। सिंपल सा हैंकी टक कर रही हूँ क्योंकि रिक्वेस्ट रहते हैं हैंकी टक के, इसलिए मैं हैंकी टक कर लेती हूँ, और वैसे ही मेरे हैंकी टक ब्लॉग रहते थे क्योंकि डेली यूज में हैंकी बहुत काम आता है, तो यहाँ पर ये हैंकी टक कर लिया सिंपल सा। तो बस काव्या भी नहा ली है, और इसको जाने कहाँ से, बहुत पुराना मोबाइल है हमारा ये मिला था इसको, और आज देखिए मोबाइल पे भी डिस्कशन चल रहा था, तो वो मोबाइल मिला था इसको तो उसी को चार्ज कर करके, और उसमें रिंग टोन जो है ना वो अलार्म के, इतनी खुश हो रही है ना काव्या, और यहाँ पर बस थोड़ा बहुत फैलावड़ा है उसको साफ़ कर देती, वो हाथ पर लेके घूम ही रही है मोबाइल को, और टाइम टू टाइम चार्ज पर रख देती है, मैं इनका बहुत पुराना मोबाइल है फट नहीं जाए वो, उसको हाथ में लेके मत घुमा करो, और अलार्म भर के और सिराने रख के बैठी रहेगी, मतलब इतना खुश हो रही है कि उसके पास उसका मोबाइल हो गया है। यहाँ पर बस बर्तन थोड़े बहुत क्लीन कर लेती हूँ, और दाल उबल रही है तब तक मैंने सोचा थोड़ा बहुत यहाँ का क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद बर्तन तो मेरे होते ही रहते हैं, साफ़ किए वापस से ढेर हो जाते हैं, साफ़ किए वापस से ढेर हो जाते हैं, तो बर्तनों का तो कोई अंत पार नहीं है, और हाउस वाइफ के कामों का भी कोई अंत पार नहीं है, तो बस यहाँ पर क्लीन कर लेती हूँ बर्तन, उसके बाद दाल बन जाएगी तो उसमें पूड़ी डाल दूँगी।
आप देख सकते हैं हाउ टू मेक बाय गायत्री, जो मेरा रेसिपी का चैनल है, वहाँ पर आपको मिष्टी दही की रेसिपी यानी मीठा दही जो बंगाल की बहुत प्रसिद्ध रेसिपी है वो आप देख सकते हैं। तो ये खाली हो चुके हैं, इनको धो के और मैंने रख ली है, इनको वापस से दोबारा किसी रेसिपी में काम में ले लूँ तभी रख देती हूँ उनको संभाल के, तो टूट जाएंगे। मैं दाल अच्छे से बॉयल हो गई है तो मैं डाल देती हूँ पूरी। बहुत से लोग दो चार दिन की, ज़्यादा दिन की रखते हैं, लेकिन मुझे है ना सिर्फ एक दिन की ही अच्छी लगती है, जैसे सुबह से शाम बना लो तो अच्छे से खाने में आ जाती है, नहीं तो ज़्यादा पुरानी होती है तो फिर अच्छा टेस्ट नहीं लगता है मुझे, तो इसलिए मैं सिर्फ एक दिन की सुबह से शाम में ही इसको बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर सब पूड़ियाँ डाल देती हूँ और खाने वाले ज़्यादा कोई नहीं है तो पूड़ियाँ भी ज़्यादा नहीं है, बस बच्चे हैं और मैं हूँ, इनके पापा तो ड्यूटी गए, यहाँ पर सारी पूड़ियाँ डाल दी हैं। बस कुकर का ढक्कन लगा दूँगी, एक सीटी आने के पहले ही ऑफ़ कर दूँगी, तो बस जो स्टीम बनेगी उसमें पूड़ी पक जाएगी। यहाँ पर मैं पानी भी भर लेती हूँ बॉटलों में, पानी मुझे यहीं रखना पड़ता है बाहर पीने का पानी, और अंदर जगह है नहीं इतनी। तो बस खाने की तैयारी चल रही है, खाना खाएँगे अब, आप सब लोग भी आ जाइए, ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।